हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोकन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, डाटा टाइप्स क्या होता है एंड डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ज़्यादा थ्योरी हो जा रहा है, लेकिन थ्योरी नहीं पढ़ोगी तो तब प्रोग्रामिंग करने जब जाओगे तब थोड़ा दिक्कत होगा, दिक्कत थोड़ा नहीं ज़्यादा होगा, तो इसीलिए पहले तो थ्योरी पढ़ने चाहिए ना। अगर आप मैथ्स करने के लिए जा रहे हैं तो पहले तो थोड़ा उसका क्या फॉर्मूला है वो तो जानने पड़ेगा। लाइक दैट्स सेम, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए भी पहले एक थोड़ा जो थ्योरी होता है वही करना पड़ेगा, वही देखना पड़ेगा वो क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर नहीं पढ़ोगे तो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग चल जाएगा तो थोड़ा बहुत ही दिक्कत होगा। आ जाइए तो हम लोग का टोकन के बारे में देख लेते हैं क्या क्या टोकन होता है। टोकन मीन्स कीवर्ड्स, कीवर्ड्स एक टोकन, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए देखा देते हैं क्या क्या होता है। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या, ऑपरेटर्स क्या होता है, स्पेशल सिंबल्स, आइडेंटिफायर। ठीक है, मैं अभी पहले ही चला आ जाते हैं क्या होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मीन्स एक वर्ड्स होगा। पहले वीडियो में हम बोला था जो कीवर्ड्स एक दो ठो एग्जांपल उससे निकल जाएगा, तो ईट रिटर्न ये इसके बारे में कुछ बोला था, थोड़ा बोला था मैं पहले वीडियो में, जो लोग देखा उस लोग को पता चलेगा। लेकिन पहले आप देख लीजिए कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स एक वर्ड्स होगा जो उसका मीनिंग रहेगा। आप देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है इट्स विल बी ए मीनिंग, इट इसका एक मीनिंग होगा जिसको हम लोग ओनली स्मॉल लेटर में लिख पाओगे, बट कैपिटल लेटर में हम लोग नहीं लिख सकते। अगर लिख दीजिएगा तो अब तो गलत हो जाएगा। एक साथ में दो कीवर्ड्स आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका एक साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन बीच में एक स्पेस होना चाहिए। देख लीजिए, वी कांट राइट इन कैपिटल लेटर। इफ यू यूज टू कीवर्ड्स टुगेदर देन स्पेस विल बी रिक्वायर्ड बिटवीन टू कीवर्ड्स, मीन्स दो कीवर्ड का बीच में थोड़ा तो स्पेस होना चाहिए। एग्जाम्पल इन फ्लड डबल व्हाइल रिटर्न स्विच करेक्टर ब्रेक एटसेट्रा। आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है इंट क्या होता है इंटीजर, फ्लोट क्या होता है फ्लोट, बट डबल क्या होता है डबल मीन्स फ्लोट, फ्लोट पांच तक, दशमिक का बाद पॉइंट का बाद पांच डिजिट लिएगा, बट डबल क्या करता है 15 पांच सौ से ज्यादा होगा, फाइव नंबर से ज्यादा होगा तो आप डबल करने पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो आपको 500 से आप डबल चाहिए आपको, आप फ्लोट यूज कर दीजिएगा तब तो आपको 500 से ज्यादा नहीं दिखाई देगा। आपको 500 से ज्यादा चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आपको डबल यूज करना पड़ेगा। फाइल के बारे में आप लोग बाद में आप लोग को पता चलेगा। रिटर्न तो पता चला क्या होता है, इसके बारे में और भी ज्यादा पता चलेगा बाद में। स्विच कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स कैरेक्टर होता है आपका नाम हो जो भी कुछ है आप कैरेक्टर हो तो उसके बारे में हम पहले बोला। ब्रेक, स्विच ब्रेक एक शब्द में पढ़ेंगे हम लोग। टोटल 32 नंबर होता है कीवर्ड्स, ऐसा करके इंट फ्लड डबल फाइल रिटर्न स्विच कैरेक्टर ब्रेक, ऐसा ऐसा करके बहुत सारा है। अब आ जाएंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, हम पहले वीडियो में बोला था ना एक प्रिंट वाई एम स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बट यही एक स्ट्रिंग होता है। उसका डबल कंडीशन के अंदर जो भी आप लिख दीजिएगा तो वही स्ट्रिंग हो जाएगा, हाई हेलो वर्ड्स और एटसेट्रा जो भी कुछ लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम, आपका वो जो घर का नाम हो, जो भी कुछ लिख देते। कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट एक वैल्यू होता है, वैल्यू आप 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 जो भी है कॉन्स्टेंट एक वैल्यू होता है। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स देख लीजिए, ऑपरेटर्स प्लस माइनस इनटू डिवाइड डबल प्लस डबल माइनस प्लस इक्वल टू, इसके बारे में आप लोग को पहले बाद में पता चला। इसको इंक्रीमेंट बोलता है, इसको डिक्रीमेंट बोलता है, इसको एक्स प्लस इक्वल टू मीन्स बोलता है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, आप लोग को बाद में पता चलेगा। तो अभी थोड़ा देख लीजिए स्पेशल सिंबल्स क्या होता है। फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट प्रोग्रामिंग में यूज होगा। अब तक मैंने जितना वीडियो डाला उसका अंदर फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट यूज हुआ ओनली, और थर्ड ब्रैकेट एरर है और बहुत सारा प्लेस में यूज होगा।
इसके बाद आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर आप लोग को सब कुछ बोल दिया जो दो नंबर्स का अंदर, दो वेरिएबल्स का अंदर सब्सट्रैक्शन निकालने के लिए। तो आप लोग क्या करते हैं, वो जो जैसा रूल्स है प्रोग्रामिंग लिखने के बाद सब इक्वल टू ए माइनस बी ऐसे करते हैं ना, अगर मल्टीप्लीकेशन करने के लिए ए इंटू बी मल्टीप्लीकेशन इनवियल शॉर्ट फॉर्म में लिख देते, इसको आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफाई करता है। वेरिएबल्स क्या होता है, अब पढ़ेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वही है जिसका अंदर हम लोग कुछ स्टोर डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसको वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, इसका अंदर हम लोग डाटा स्टोर करता है। वेरिएबल कैसे बनता है? वेरिएबल आप कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड आपका मन में जो भी हो सकते हैं आप इसका ऊपर लिख सकते हैं वेरिएबल्स। ए टू जेड, ए टू और कैपिटल वर्ड कैपिटल लेटर में होता हो सकते हैं और ए टू जेड स्मॉल लेटर में हो सकते हैं। और डिजिट 0 to 9 आप लोग यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर डॉलर ये भी यूज कर सकते हैं, बट आपका मन में जो आएगा वो ही नहीं कर सकते। अगर इसका अंदर जो हम दिखाया ये सब आप लोग इसके लेके आप लोग जैसे भी हो सकते, लेकिन एक बात है जो है क्या इसमें देख लीजिए नीचे में, वी कांट यूज डिजिट एट फर्स्ट ऑफ द वेरिएबल। हम लोग क्या है फर्स्ट में डिजिट यूज नहीं कर सकते, एक वेरिएबल्स का फर्स्ट में आप लोग डिजिट नहीं यूज नहीं कर पाओगे। अगर लास्ट में बीच में और आपका मन जिसमें होगा उसमें ही बैठा दीजिए, लेकिन फर्स्ट में मत बैठाइए। फर्स्ट में बीच में बैठा दीजिएगा तो अब थोड़ा गलत हो जाएगा, थोड़ा नहीं पूरा गलत हो जाएगा, वो नहीं होगा, उसको नहीं लीजिएगा लिएगा पहला। ठीक है, सपोज वन नंबर इज अ वेरिएबल दैट इज इनवैलिड बट नंबर वन इज वैलिड। अब आइए क्या डाटा टाइप्स क्या होता है। अब तो वेरिएबल चुन लिए, वेरिएबल क्या होता है आपको पता चला, बट वेरिएबल कौन सा टाइप का वेरिएबल, वो इंटीजर है फ्लोट है करेक्टर है डबल है कौन सा है वो तो आप लोग को, अगर आप लोग का मन के में पता चला है एक इंटीजर है बट आप लोग तो नहीं लिखे, आप लोग एक लिख दिए वेरिएबल और डिक्लेरेशन कर दीजिए बट वो क्या है, वो इंटीजर है फ्लोट है, आप लोग का मन में है जो हाँ इंटीजर है, लेकिन प्रोग्रामिंग कंपाइलर को क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा जो क्या है अब लोग, इसीलिए वो कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर ए सर्ट सी एच ए आर ए लिखना पड़ेगा, इंटीजर होगा तो इंट लिखना पड़ेगा, फ्लोट लिखना पड़ेगा, इसको इसको बोलता है डाटा टाइप, सॉरी कैरेक्टर इंटीजर इसको डाटा टाइप बोलता है। अगर आप कैरेक्टर ए लिख दीजिएगा तो उसको पता चलेगा ये कैरेक्टर है, इंटीजर लिख दीजिएगा तो वो इंटीजर एक इंटीजर वैल्यू दिखाएगा। सब देख लीजिए ए होने के लिए 10, 12 जो भी कुछ होता है, फ्लोट मीन्स उसको सब पता हम लोग को पता चले, फ्लोट लिख दीजिएगा तो पता चलेगा कि ये दशमिक संख्या होगा एक, डबल लिख दीजिएगा दशमिक फ्लोट लिखने के बाद जो वो 5 तक होगा, आप कोई भी 5 तक लेता है नहीं लेता है, आपको 5 तक लाएगा तो आपको तो लेना ही पड़ेगा, डबल लिखना तो आपको 15 तक दिखाएगा। ठीक है, लास्ट में अब आ जाएगा क्या होता है डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आप एक वेरिएबल लिए, डाटा टाइप्स भी ले लिए, वेरिएबल लिए, लेकिन उसका वैल्यू नहीं लिए, तो आप उसको क्या बोलते हैं डिफरेंस सॉरी वेरिएबल डिक्लेरेशन। आप डाटा टाइप्स लिए, वेरिएबल्स लिए और उसका वैल्यू भी ले लिए, तो आप उसको बोलता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मीन्स आप वेरिएबल ओनली वेरिएबल लीजिएगा तो उसको बोलता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसका साथ वैल्यू ले लेते हैं तो उसको बोलता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। थैंक यू। अब अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे जो सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए, इस ज़्यादा बोल के आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसीलिए मैं पहले नहीं बोला क्योंकि